हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 11th नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरो था के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमार्ट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरो था की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमार्ट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले डीमार्ट में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन डीमार्ट में 4.27% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 4960.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो अपने ट्रेडिंग के टाइप पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या आने वाला जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे का चार्ट जो है मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है, मैं कहूँगा एवरेज से ज्यादा ही है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा एक जो है वॉल्यूम हमें देखने मिला, लेकिन एकदम ही यानी कि हाई वॉल्यूम हम नहीं कह सकते हैं। बाकी बात करें हम कैंडल की, कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम साइज की यहाँ पे कैंडल बनी है और यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे मैं कहूँगा एक ब्रेकआउट दिया है। इतने कितने दिनों से यहाँ पे इसी जो है रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था, अब जाके यहाँ पे इसने समझ लीजिए एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे जो है हमें ऐसा लग रहा है कि अब अच्छा मोमेंट स्टॉक में आ सकता है। बात करते हैं RSI की, RSI यहाँ पे 64-65 के आसपास जो आ चुका है। मतलब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में आपको जो है RSI यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में जाते हुए जरूर देखने मिल सकता है। इवन तो अभी फिलहाल जो है RSI हमें जरूर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का इशारा दे रहा है, लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें उसे जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और जो अपसाइड मोमेंट आपको दे सकता है। यहाँ पे जरूर जो है स्टॉक में नजर बना के रखें। फिलहाल यहाँ पे हमारा व्यू जो है इस स्टॉक में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंट देखने मिल सकता है। करेंटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5400 तक ये जो स्टॉक है आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे 5000 आज आपने देख सकते हैं यहाँ पे हाई इसने 5000 का बनाया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आता है वहाँ पे, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं साइकोलॉजिकल नंबर की, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस हमेशा फेस करता है। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो है उस स्टॉक में आपको क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देते हैं और पूरा का पूरा हम जो है चार्ट के बेसिस में यहाँ पे है जो है हमारा एक ओपिनियन रखते हैं और हम आपको बताते हुए किस तरह से चार्ट हमें जो है मूवमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जैसे कि हमने कहा एक कंसोलिडेटेड एरिया में कब से घूम रहा था, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप ब्रेकआउट दिया है, तो एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो चलिए कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है स्टॉक में बनने वाला है और हमारा क्या ओपिनियन होता है कल के लिए देखते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, फिलहाल यहाँ पे जो मैं कहूँगा ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस के मार्किंग ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो हमें नया डेटा देखने मिल रहा है उस बेसिस में यहाँ पे मैं जो है एक मार्किंग कर लेता हूँ जो यहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल नंबर ही है जो यहाँ पे 5000 आप देख सकते हो और यहाँ पे ऑलरेडी पुराने जगह पे भी आप देख सकते सपोर्ट लेते हुए रेजिस्टेंस को फेस करते हुए जो है यहाँ पे स्टॉक गया था, इसके वजह से यहाँ पे जो है मैंने इसको अभी फिलहाल मार्क किया है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते 4975 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है जूम आउट कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4975 इसकी क्लोजिंग है, डायरेक्ट सपोर्ट हमारा आता है 4892 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारा है 5000 साइकोलॉजिकल नंबर भी और हमारा एक अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं एक हैजर रेजिस्टेंस जोन भी है। आज के दिन उस वहीं पे जो है इस स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस जोन जो है वो भी फेस किया है। तो यहाँ पे बात करोगे सपोर्ट डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में आपको ये स्टॉक जो है बिल्कुल भी जो है यहाँ पे घूमते हुए देखने मिले, तो यहाँ पे आपको जो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको एंट्री लेनी है ना ही आपको एग्जिट करना है।
यहाँ पे आपको जो वेट करना है कन्फर्मेशन कैंडल्स का, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट सपोर्ट है उसको जैसे ही स्टॉक ने क्रॉस किया तब भी यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन कैंडल उसके बाद ही देखनी है। याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ही आपको जो है कोई भी कन्फर्मेशन कैंडल्स देखनी है, ताकि वहाँ पे आप जो है एक प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाए और वहाँ पे जो अपना प्रॉफिट भी बुक कर पाए। तो यहाँ पे बात करते हैं 4892, यहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट जो है सपोर्ट आता है। तो जैसे स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है आपको 3 रेड कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। नीचे जा रहा है इसलिए हम जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथी कैंडल पे आप जो है वहाँ पे एंट्री ले ले, और फिर हमारा जो अगला यहाँ पे जो है सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 4836 का, 4836 से मैं कहूँगा यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट यानी कि यहाँ पे 4846 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट बना ले, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो है आपको रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है वो मैं थोड़े टाइम में बता दूंगा। बात करते हैं अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो और नीचे जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे 4836 का वापस से नीचे जाने का वेट करते हुए अपना जो एक टारगेट जो है 4800 का यहाँ पे लगा सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल नंबर, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4800 का लगाओगे तो यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट तक जो है आप कन्फर्मेशन कैंडल को देखते देखते जो है यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है 4800 तक आ जाएगा और इजिली आपका जो है वो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। याद रखें अगर आपको जो है 2 रेड कैंडल दिख रहे हैं और तीसरी जो है ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो मैं कहूँगा चौथी कैंडल पे आप तुरंत ही जो है एग्जिट भी कर जाए, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल भी जो शुरू हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है हमेशा सेफली खेले, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी भी मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। बात करते हैं हम अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे 5000 हमारा एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना 5000 का रेजिस्टेंस जोन जो है क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे जो आपको 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोस्टली 5 मिनट का यूज़ करता हूँ। अगर आप 5 मिनट के इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको जो है 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथी कैंडल पे आपको एंट्री लेते हुए यहाँ पे हमारा अगला जो रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे 5080, उससे यहाँ पे 10 पॉइंट नीचे मतलब 5070 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है, ईजिली अचीवेबल टारगेट है। उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते थोड़ा ऊपर यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे 5100 को आप ऐसे टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस जोन तक जो है आने में। इसकी वजह से पहला टारगेट जो है आपका 5070 का ही रहना चाहिए। बाकी बात है यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्यों रखना है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ट्रेडर्स जो है अपना बाइंग ऑर्डर हो या फिर सेलिंग ऑर्डर हो ऑलरेडी अपने ऑर्डर बुक में प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से वो हमेशा अपना ऑर्डर का जो प्राइस वैल्यू जो होता है वो हमेशा सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन उससे थोड़ा सा डिफरेंस में रखते हैं, ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है कुछ स्मार्ट तरीके से खेलते हो अपना भी जो टारगेट जो है वो भी आप डिफरेंस के साथ रखें, ताकि पहली बात तो यहाँ पे आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाए, और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है हमारे ट्रेडर्स जो है कभी कभी एक प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी कभी कभी ज़्यादा होने की वजह से हमारा स्टॉक जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक एग्जैक्ट पहुँचता ही नहीं है, और उसी से पहले जो है रिवर्सल चालू हो जाता है। तो आप जो है वो रिवर्सल का जो यहाँ पे लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे। तो ये 2 फायदे होते हैं हमें डिफरेंस रखने, इसकी वजह से मैं हमेशा कहूँगा डिफरेंस ज़रूर आप रखें। बात रही यहाँ पे डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे मैं कह दूँ आपको जो है क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो उसका प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4900 हमारा प्राइस है और डिजिट है 4। तो यहाँ पे आपको ईजिली 10 to 20 points का जो है 1 से 2 मिनट में फ्लक्चुएशन जो है देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा 10 points जो मिनिमम है यहाँ पे उतना डिफरेंस रखें। अगर आप चाहे सेफ खेलना तो यहाँ पे 15 पॉइंट जो एकदम मिडल में है वो भी आप रख सकते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा मिनिमम रखोगे तो वो भी कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आपको जो है 5000 जरूर जो क्रॉस करते हैं वो ओपनिंग में देखने मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे आपको 4892 से लेके 5000 के बीच में ही जो आपको क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं, मतलब नो ट्रेडिंग एरिया में ही जो है आपको कल के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी ओपनिंग यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है यहाँ पे अच्छी ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग रह सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन क्या होने वाला, मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।